हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सत्संग मंत्रा। और मैथ सत्संग मंत्रा में आपका स्वागत है। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी लोग देख रहे हैं वीडियो, देखने से एक बात ध्यान से सुनिए, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आज जो टॉपिक है आपका वो है प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस हमने आपको पढ़ा दिया है, आर्गुमेंट भी पढ़ा दिया है, लेकिन मॉडुलस और आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी मैंने नहीं बताया था, उसी को आज हम लेकर आए हैं। आज की जो टॉपिक है मॉडुलस है। तो मॉडुलस का पहली प्रॉपर्टी यह है कि यदि मॉड ऑफ जेड जीरो है, दिस इम्प्लाई दैट जेड बराबर जीरो, ठीक ना। मतलब जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको क्या बोलते हैं जेड। और जेड बराबर जीरो होने का मतलब ये हुआ कि दैट इज़ रियल पार्ट ऑफ जेड भी जीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी जीरो होगा, जिसको जीरो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, ठीक ना। दूसरा है कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालो, या उसके कंजुगेट का मॉडुलस निकालो, या उसके निगेटिव का निकालो, तीनों इक्वल होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस निकालिए, या उसके कंजुगेट का मॉडुलस निकालिए, या उसके निगेटिव का मॉडुलस निकालिए, तीनों क्या होता है आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तीसरा है कि मॉड ऑफ जेड रियल ऑफ जेड, जो रियल ऑफ जेड होगा वो मॉडुलस ऑफ जेड के निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाइज करेगा। समझ में आ रही बातें। और इसी तरह इमेज ये भी होता है कि इमेजिनरी ऑफ जेड भी क्या होगा, रियल ऑफ जेड कह लो, किसी कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट हमेशा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाइज करता है। इसी तरह किसी कॉम्प्लेक्स का इमेजिनरी पार्ट भी हमेशा उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस के निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में लाइज करता है। तो ये चौथा प्रॉपर्टी हो गया। ध्यान से प्रॉपर्टी को पढ़ते जाइए, इसके बाद से देखते जाइए। जो अभी प्रॉपर्टी बताने बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इसमें बहुत से क्वेश्चन ब्रेक होते हैं। जेड और उसके कॉन्जुगेट का जो मॉडुलस होता है, जेड और उसके कॉन्जुगेट का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, वो उसके मॉडुलस की स्क्वायर के बराबर आता है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। और इसके बाद से ये तो है ही है कि जेड वन इंटू जेड टू दोनों को मल्टीप्लाई करके मॉडुलस निकालिए, या मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई करिए, बात एक ही है। ये सब आप ध्यान से देखते जाएंगे। इसी तरह है छः नंबर, डिवाइड करके उसका मॉडुलस निकालिए, या मॉडुलस निकाल के डिवाइड करिए, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद से है मॉड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर, ये होता है मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिए, जेड वन प्लस जेड टू का जो स्क्वायर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जाता है ना, तो पहले के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस दूसरे के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस टू रियल ऑफ जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, ठीक ना। मतलब जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट का जो रियल पार्ट होगा उसका डबल। और यहाँ पर देखिए आठवा है जेड वन माइनस जेड टू का जो स्क्वायर होगा वो होगा मॉड ऑफ जेड वन का स्क्वायर मॉड ऑफ जेड टू का स्क्वायर माइनस टू, वही रियल ऑफ जेड इंटू जेड कंजुगेट। भाई माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो नौवां है नाइन्थ, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो नाइन्थ बन जाएगा। इन्हीं एट और सेवन को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड वन प्लस जेड टू का स्क्वायर जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, टू जेड वन का स्क्वायर प्लस जेड टू का स्क्वायर, ठीक ना। और दस नंबर टू जेड वन जेड टू का दस नंबर है, दस नंबर छोड़ देते हैं क्योंकि दस नंबर अब इतने से आपका काम हो जाएगा, ठीक ना। आपके लेवल पर टेंथ छोड़ दीजिए, यदि इतना आपको आता है इसका मतलब आपको बहुत कुछ आता है। ये था किसका, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेंगे, जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन है उसको हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या बताते हैं, अनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम नहीं बताएं, उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और इसके बाद से कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर भी उस पर भी, ठीक ना। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं उस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक ना। इक्वल इक्वलिटी ऑफ
कॉम्प्लेक्स नॉमिनल, जैसे है x1 प्लस आई y1, x2 प्लस आई y2। यदि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल होंगे जब दोनों के रियल पार्ट और दोनों के इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, मतलब x1 बराबर x2, ठीक ना, और y1 बराबर y2, ये दोनों चीज़ें x1 इक्वल टू x2, y1 इक्वल टू y2, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी आपस में इक्वल होंगे, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिया, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे जब रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। और इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं चलिए देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 3x-7 प्लस 2iy इक्वल टू -5y 5 प्लस xi ये दिया है और कह रहा है आपसे फाइंड एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन दिया है कि ये इसके इक्वल है तो एक्स और वाई को बताइए क्या होगा। तो अब पहले तो क्या करेंगे, दोनों साइड को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में a+ib में चेंज करेंगे। तो ये तो अपने ठीक है a+i(b) ये है, लेकिन ये नहीं है तो इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ये भी है दोनों है, आई का कोएफिशिएंट यहाँ पर ये है, वाई का कोएफिशिएंट यहाँ है। अब कंपेयर करेंगे तो ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो 3x-7 = -5y होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 2y, आई को छोड़कर 2y, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 5 प्लस एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा 3x-5y इधर कर दोगे तो +5y, इधर करोगे तो 7, एक इक्वेशन ये बन जाएगा और इधर कर दोगे तो -x + 2y = 5, एक इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो दोनों को सॉल्व करना है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि ये -3x से +3x कैंसिल हो जाएगा जोड़े, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -3x + 6y 15। अब दोनों को ऐड कर दो तो ये कट जाएगा, क्या होगा 11y, ये दोनों कट जाएगा 11y, क्यों 3 से मल्टीप्लाई किए इसमें, यही दो इक्वेशन को सॉल्व करना था तो x के कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लिया आ गया। अब ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5y 6y हो जाएगा 11y और ये क्या हो जाएगा 22, तो y = क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब y की वैल्यू 2 इसमें रख दो, किस में रख दो, यहाँ पर रख दो, तो -x + 2 × 2 = 5, -x = 5 - 4, -x = क्या होगा 1, x = क्या होगा -1, तो ये दो ठो हो गया। क्लियर हो गई बातें, इस तरह इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है उसको चलिए कर लेते हैं, कंजुगेट पे बेस्ड है। दिया हुआ है, कंजुगेट तो प्रॉपर्टी बता दिए हैं, a+i² / 2a-i = p+iq, ठीक है, और आपको प्रूफ करना है p² + q² = a² + q² = a² + 1 / 4² = 4a² + 1। ये हो गया, अब क्या होगा, ये दिया है तो ये प्रूफ करना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हम क्या करेंगे, ये गिवन है, क्या दिया है आपको, ये पहले लिख लेते हैं p+iq a+i² नीचे है 2a-i। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लेते हैं, लिखिए चेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा, इधर कॉन्जुगेट लेगा तो p-iq, यहाँ कॉन्जुगेट लोगे तो क्या होगा, देखो कॉन्जुगेट हमेशा पावर ओवर से कोई मतलब है, सीधे यहाँ पर लेगा a+i में तो क्या होगा 1-i²
भाई प्लस है तो माइनस में चेंज होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा इस पर लग जाएगा क्योंकि यहाँ भी लगेगा यहाँ भी लगेगा, इस पर लोगे तो क्या हो जाएगा टू प्लस आई। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकेंड। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखने लिए मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड कितना हो जाएगा p प्लस आई क्यू पी माइनस आई क्यू, और ये क्या हो जाएगा a प्लस आई का स्क्वायर 2a माइनस आई, और ये क्या हो जाएगा a माइनस आई का स्क्वायर 2a प्लस आई। ठीक है, ये हो जाएगा। अब a प्लस आई ए माइनस आई कितना हो जाएगा ए स्क्वायर भाई ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस आई क्यू का स्क्वायर। अब इसमें भी देखो दोनों जब सेम पावर में हैं तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर सेम होता था बेस, तो a प्लस आई या a माइनस आई मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और पावर तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ भी a माइनस बी ए प्लस बी के तो क्या होगा टू ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, जहाँ जहाँ आई स्क्वायर है उसको प्लस वन बना दो, आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ आई स्क्वायर करोगे तो माइनस वन इसको क्या बन जाएगा प्लस, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर आ गया, यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन इसको प्लस कर देगा तो ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर ए स्क्वायर, यहाँ आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन तो प्लस वन, ठीक ना, तो ये आ जाएगा। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन हो गया। तो और भी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो टॉपिक है आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी और इसके बाद से सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैं नेक्स्ट क्लास में वीडियो में बता दूंगा। पहला बात ये है कि आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, पूरा देखिए, रोज़ देखिए, आपको क्लास रोज़ मिलेगी। और यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिला जाएगा। थैंक यू।